नमस्कार, देसी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। 28 जुलाई से झारखंड का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर आज झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई ताकि मॉनसून सत्र को सुचारू रूप से चलाया जा सके। वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक सरयू राय सहित कई सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री शामिल हुए, तो वहीं विपक्ष इस सर्वदलीय बैठक से दूर रहा। आपको बता दूं कि विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को भी आमंत्रित किया था, लेकिन विपक्ष इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं विपक्ष के तेवर मानसून सत्र को लेकर क्या है। आपको बता दूं मानसून सत्र 28 जुलाई से होना है और यह सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि विपक्ष जो है वो सरकार पर रोजगार को लेकर, स्थानीय नीति को लेकर के, ओबीसी आरक्षण, मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दों को लेकर के सरकार पर हमलावर रहेंगे। हालांकि ये मानसून सत्र सुचारू रूप से चल सके, जन मुद्दे उठ पाए, इसको लेकर आज सर्वदलीय बैठक विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो की अध्यक्षता में बुलाई गई। क्या कुछ स्पीकर कह रहे हैं इस बैठक को लेकर के सुनिए। देखिए, मेरा शुरू से ही आग्रह रहा है माननीय तमाम सदस्यों से, पक्ष के सदस्यों से और विपक्ष के सदस्यों से, कि सदन को सुचारू रूप से संचालन करने दें, चलाने में मदद करें, सहयोग करें आसन को। और हमको लगता है कि जहाँ तक माननीय सदस्य पक्ष और विपक्ष के आसन को इतना सहयोग निश्चित रूप से करते हैं, तभी हम लोग विधानसभा के कार्यवाही को सुचारू रूप से चला पाते हैं। और जैसे पिछले बार भी हम लोग किए हैं, उसी तरह का इस बार भी स्थिति है। और हम उम्मीद करते हैं कि चूँकि ये टेन्योर के अंतिम दौर पर हम लोग गुजर रहे हैं और सारे लोग जनहित में काम करने के लिए इच्छुक भी है, और ऐसे परिस्थिति में सदन का कार्रवाई में कोई व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। फिर भी अगर मान लीजिए, चूँकि विभिन्न विचारधारा वाला पार्टियों का समावेश सदन के अंदर में है, इसलिए कहीं कहीं कुछ कुछ अगर ऐसा क्षण या ऐसा पल अगर आ भी गया तो उसको पटाक्षेप करने के लिए हम लोग काम करेंगे, सबका सहयोग का अपील भी हम लोग करेंगे। और हर हाल में जो जनता का जो अपेक्षा है, जनता का जो काम है, उसको बाधित होने नहीं देंगे। विधेयक बार बार राज्यपाल के यहाँ से लौट रहा है, फिर वही विधेयक फिर आ रहा है हाउस के अंदर। अब भी एक कार्यशाला हो रहा था तो हम लोगों को याद है आपने कहा था कि अधिकारियों को बड़ी सूक्ष्मता से देखनी चाहिए इन चीज़ों को, कि आप हिंदी का अंग्रेजी अनुवाद कर रहे हैं या अंग्रेजी का हिंदी कर रहे हैं, वो भी गलतियाँ हो रही है। तो इस बार जो विधेयक आ रहा है, तो उम्मीद है कि आपको ये विधेयक राज्यपाल की मंजूरी मिलेगी, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी इस विषय पर हम लोगों ने चर्चा किया। जब हाई पावर कमेटी का बैठक चल रही थी, तो उसमें कुछ विधेयक ये कह करके आ जाता है कि हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करने के क्रम में कहीं कहीं त्रुटि हो जाता है, और इस सामान्य त्रुटि के चलते उस विधेयक वापस आ जाता है। और एक बार सदन के अंदर में जब विधेयक वापस आ जाता है, तो उसका पूर्ण प्रक्रिया सदन को फॉलो करना पड़ता है, और फॉलो करने के बाद फिर विधेयक को पास करके संशोधित रूप में फिर महामहिम के पास भेजा जाता है। तो हम लोगों ने इस बार निर्णय लिया कि इस बार जो विधेयक मूल रूप से सदन के अंदर जो विधेयक पेश होते हैं, वो हिंदी का विधेयक पेश होते हैं। और जब हिंदी का विधेयक पेश होगा, तो हम लोग उस हिंदी का विधेयक ही राजभवन में भेजने का काम करेंगे। राजभवन या कुछ न्याय प्रक्रिया में इस विधेयक के अंग्रेजी रूपांतरण की आवश्यकता पड़ती है, तो हम समझते हैं कि ये करने में राजभवन भी सक्षम है और सरकार भी सक्षम है। लेकिन विधानसभा सिर्फ हिंदी से पारित करेंगे, और जो जथा पारित जो विधेयक होगा, उसी को हम लोग राजभवन तक भेजेंगे। एक विषय तो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, कार्यपालिका के अंदर थोड़ा बहुत त्रुटि विच्युति था ही, जिसको लेकर के और लोग भी विधानसभा के कार्रवाई के प्रति उदासीन रहने के कारण कभी कभी व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना आई है, उत्पन्न हुआ भी है। इसीलिए मैंने पिछले दिन हमारे दिल्ली से रिसोर्स पर्सन को बुला करके कार्यपालिका के तमाम अधिकारियों को इसका एक आलोचना चक्र हमने कराने का काम किया, कि ताकि उनके मन के अंदर में विधायी व्यवस्था के प्रति क्या विचार है, क्या भावना है, उन पर वो कितने जानकार हैं या कितने जानकार नहीं है, इस विषय पर उन लोगों को चर्चा कराने का एक काम किया। और हम समझते हैं कि ये चर्चा होने के बाद उन लोगों के मन के अंदर में जो भी जिज्ञासा था, उनका क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं है, तमाम विषयों पर जानने का काम किया। इसलिए हमारा उम्मीद है इस आलोचना चक्र
जो विधानसभा के अंदर पिछले 3 दिन तक कराने का हम लोगों ने काम किया, इसमें तमाम पदाधिकारी लोग और ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं और आने वाला समय में विधायिका के प्रति कार्यपालिका जो उत्तरदायित्व है इसको पूर्ण रूप से निर्वहन करने का उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। जी जी, मैं आपको बता दूं, आश्वासन में जो नियम संगत आश्वासन होता है तो पूर्ण होता ही है, कहीं थोड़ा नियम अगर व्यवधान आता है तो वो आश्वासन पूर्ण करने में लोगों को कठिनाई होती है, तो उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था करते हैं कि इस नियम को कैसे इस आश्वासन के अनुकूल बनाया जाए, इस विषय पर भी हम लोग अध्ययन करते हैं, इस पर भी हम लोग अनुशीलन करते हैं और उसके उपरांत उस काम को कराने का प्रयास करते हैं। आपको आप बैठक में नहीं आ सके हैं, हो सकता है कि कार्य का व्यस्तता होगा, कार्य व्यस्तता के चलते बहुत कई मान्य सदस्य नहीं आ पाए हैं, ये अलग विषय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सदन के कार्रवाई में उनका सहयोग नहीं रहेगा, इसको ऐसा अंदाजा नहीं लगा। नेता प्रतिपक्ष के बिना ही मॉनसून सत्र गुजरेगा, ये मेरा विषय नहीं है भाई, इस विषय तो संबंधित दल के माननीय सदस्य लोग ही इसको बता सकते हैं। उधर से कोई नया नाम आया क्या? अभी तक मेरे पास कोई ऐसा न मौखिक सूचना है, प्रक्रिया पूरा होगा न आपका इसका सूचना है, लिखित सूचना है।